फाइनली हम लोग जा रहे हैं हाउस बोट पे स्टे करने के लिए। 13 नंबर के घाट पे हम लोगों ने स्कूटी पार्क की है हमारी, और अभी हम लोग चल के जा रहे हैं 14 घाट पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रायल फॉर इंजीनियर। स्वागत है आप सभी का कश्मीर सीरीज के इस लास्ट एपिसोड में। कश्मीर की बात चल रही हो और डल झील का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेस इन द वर्ल्ड। अब आइए आपको रूबरू कराते हैं हाउस बोट जमैका से। प्योर कश्मीरी स्टाइल में बनी हुई ये हाउस बोट काफी पुरानी है। और ये जो वर्क है ना, ये कुरुशी वर्क है, जो पूरा वर्क है ना, ये पूरा हाथ का बना हुआ है। ये हाँ, ये हाथ से बना हुआ, हाथ से इसको बोलते हैं कुरुशी। हम खाना हम लाते किचन से, यहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ पे हमारे जो क्रॉकरी पूरा है, चाहे वो प्लेट हो, कप्स हो, मग्स हो, हॉट बाउल हो, यहाँ पे हम रखते हैं। ये पेंट्री एरिया है पूरा, पेंट्री एरिया है हाउस बोट का, पेंट्री एरिया है। और इसको बोलते हैं गली, ये गली है पूरा, बेड्स का बेडरूम है, ये आपका बेडरूम है, यहाँ पर भी बुखारी है, और यहाँ पर आपका ड्रेसिंग रूम है, यहाँ पे आपका ड्रेसिंग रूम है, और आपका यहाँ पे वॉशरूम है। इसको ये जो है ना, इसको बोलते हैं हम कश्मीर में, इसको बोलते हैं वस्ताल। क्या बोलते हैं? वस्ताल, वस्तालो। हाँ, ये सेम लाइक पजल गेम है ना, पजल गेम। हाँ, पजल गेम। इसको अगर हम निकालेंगे ना, एक घंटे में पूरा पूरा निकालेंगे। लगाने में इसको कम से कम लगेगा 1 वीक या 2 वीक्स को लगेगा। अच्छा, निकालने में। अच्छा, अभी कहवा आपके लिए, कहवा कश्मीरी कहवा। हाँ। ओके, फाइनली हम हाउस बोट में आ चुके हैं, और ये हमारा पूरा रूम है, और यहाँ पर लगे हुए हमारा बेड। इस साइड है हमारा ड्रेसिंग एरिया, और उसके ठीक सामने है बाथटब। ये है ड्रेसिंग एरिया, कश्मीरी कावा ही आता ही होगा। अब हम जरा कश्मीरी कावा का लुत्फ उठाते हैं, तब तक आप बोट का सिनेमैटिक व्यू एंजॉय कीजिए। हम लोग निकले हैं अभी शिकारा राइड करने के लिए। ये बेस्ट टाइम है शिकारा राइड करने का, सनसेट के साथ साथ सब कुछ देखने को मिलता है, और पूरा मार्केट वगैरह हम घूमेंगे आज। पहला पॉइंट आएगा गोल्डन लेक। कौन सा लेक? गोल्डन लेक। गोल्डन लेक वाला अभी। हाँ, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग गार्डन। अच्छा, इसको इसीलिए फ्लोटिंग गार्डन बोलते हैं, यहाँ पे जो जमींदार लोग हैं ना, जो पानी के अंदर जो प्लांट्स है वो निकाल के बाद में इसके ऊपर खेती बाड़ी करते हैं, चाहे लौकी हो, खीरा हो, वाटरमेलन हो, इसके ऊपर उगाते हैं। तो फिर ये इसके जो मालिक है वो? इसका मालिक ऊपर वाला है। अच्छा,
जो हम लोगों ने लगाया इसके ऊपर खेती बाड़ी, इसके ऊपर खेत मतलब किया, हाँ, इसके ऊपर कुछ ग्रो किया, हाँ, अगर वहाँ से यहाँ पे आएगा, हाँ, तो हम भी काट सकते हैं। मतलब किसी का मत प्रॉपर्टी, हाँ हाँ, मतलब ये घूमता रहता है ऐसे कभी, चलता फिरता खेत। पूरे कश्मीर का फेमस फ्लोटिंग मार्केट यानी कि मीना बाजार भी है यहाँ पर। यहाँ पर फ्लोटिंग सब्जी मंडी से लेकर फ्लोटिंग एटीएम सब मिल जाएगा। और हाँ, भारत का सबसे पहला तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस भी दिख जाएगा आपको। अब आइए इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हुए अंकल की बातों पर जरा गौर फरमाते हैं। बोट हैज बीन डिजाइन्ड बिफोर 47। ओके। बिकॉज़ व्हेन ब्रिटिश वाज रूलिंग इन आवर इंडिया, सो दोस डेज वी वाज हैविंग आर्टिकल 370। सो आउटसाइड पीपल कांट बाय लैंड, दे कांट मेक हाउस। दोस डेज वन ऑफ ब्रिटिश गाय हु डिजाइन्ड दिस हाउस बोट, हिज नेम वाज हंस। Our India was those days very poor, no industries, no factories. Even our food was also coming from England. Interior, this is 90 years old, 80 years old. Only two things very old. This is 200 years old, priceless, and that is 200 years old, that chair. Yes. Yes. 40 years ago, government banned, you can't make new houseboat, you can't buy new registration, even if you spend million of rupees. Okay. So only in maintenance it costs us a lot. In maintenance, we have to sometimes 2 lakh, 3 lakh, 5 lakh rupees, it is depend on maintenance. We have to maintain that bottom, because this is floating. Yes. तो ये था मेरा हाउस बोट का एक्सपीरियंस। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।